नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम दो स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें आज बहुत गजब की तेजी आई थी। तो हम देखेंगे क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इनका एनालिसिस करेंगे। मैं बताना चाहता हूं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद सजेशंस देते हैं और डेली हमारे सब्सक्राइबर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड और हमारे वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। आइए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। तो सीक्वेंट साइंटिफिक को लेकर जो बहुत बड़ी न्यूज आई थी वो ये था कि इन्होंने 100% कंसोलिडेशन कंप्लीट कर लिया है इवांस ग्रुप इन ब्राजील का। तो जो इनका एनिमल हेल्थ सेक्टर में है प्रिंसिपल ऑपरेटिंग कंपनी एलिविजा एनिमल हेल्थ हैज कंप्लीटेड कंसोलिडेशन ऑफ इट्स ब्राजीलियन ऑपरेशंस। तो 100% बढ़ गई है इफेक्टिव कंसोलिडेशन ऑफ 44.6 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज थी और इसी वजह से इस स्टॉक में आज हमें काफी तेजी देखने को मिली है। तो एक बार मैं इसका थोड़ा फुल स्क्रीन पे का चार्ट खोल देता हूं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, स्टॉक ये 320 रुपए से 160 रुपए तक ऑलमोस्ट 50% डाउन हो गया था। फिर अब ये स्टॉक में आज बहुत टाइम बाद हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है कि एक दिन में इसने इतनी तेजी दिखाई है। तो अब यहां पे देखिए कि ऑलरेडी ये जो एरिया है ये ऑलरेडी पिछली बार भी यहां 184 से वापस लौटा था। तो आप दोस्तों अगर ये वाला लेवल क्रॉस कर दे 190 के ऊपर तो फिर इसमें हमें नई तेजी देखने को मिल सकती है और स्टॉक 220 260 और 300 तक भी जा सकता है। बट 190 का लेवल क्रॉस होने के बाद, अब 190 का लेवल जब क्रॉस हो जाए तब पोजीशन बनाइएगा। टारगेट्स बहुत अच्छे हैं हमारे और उस टाइम आपको स्टॉप लॉस रखना रहेगा करीब 185 का। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। अगर मैं दोस्तों गोल्डियाम इंटरनेशनल की बात करूं तो इनका स्टॉक देखिए 16% भागा है। स्टॉक स्प्लिट प्लान की इन्होंने आज कहा था कि फरवरी 8 को क्या क्या करेंगे, ये सब डिवीजन या स्प्लिट करने के बारे में बातें करेंगे। तो फेस वैल्यू इनकी कितनी है, 10 रुपए थी उस समय अभी के हिसाब से। तो यहां पे देखिए इस वजह से 16% के स्टॉक भागा है 1042 तक जब ये न्यूज आई थी। और 8 तारीख को इन्होंने अनाउंसमेंट किए, इनके रिजल्ट्स भी आएंगे, डिविडेंड भी चेक करेंगे, तो काफी सारी चीजें होंगी इस दिन। तो आइए अब चार्ट के माध्यम से हम फटाफट इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, स्टॉक ने 990 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था। तो आप दोस्तों कोई भी इसमें पोजीशन बनाते हैं तो आप 990 को सपोर्ट मान के चलिएगा। तो 975 का इसमें स्टॉप लॉस रखिएगा और 1100 का टारगेट। 1100 को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये 1200-1300 तक जा सकता है। तो बट क्योंकि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटा सा होना चाहिए। तो ये थी मेरी एनालिसिस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। साथ ही हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना ना भूले, स्पेशली टेलीग्राम पर आपको उससे काफी फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।